मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको साइंस के कुछ एपरेटस दिखाएंगे। सबसे पहला है हमारा बीकर। ये जैसे दो बीकर रखे हुए हैं अलग अलग मेजरमेंट के। नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास दो तरह की हैं, एक तो इस तरह है ये, और एक छोटी टेस्ट ट्यूब है जो कि हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा रखी है। ये छोटी टेस्ट ट्यूब है हमारे पास इस तरह से। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पैचुला। ये हमें किसी भी पदार्थ को अगर हमने डालना है तो उसमें मदद करता है। इसको थोड़ा क्लोज दिखा देते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉर्क। कॉर्क से अगर हमें किसी चीज़ को बंद करना है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने ये कॉर्क लगा के बंद कर दिया, इसे कहते हैं कॉर्क। हम साइंस के कुछ और एपरेटस देखेंगे बच्चों। प्रिज्म, जो ये है त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। अगर आप इसको सूर्य के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में रखेंगे तो ये सात रंगों में विभाजित होता हुआ हमें दिखाई देता है। सात रंगों में, सफ़ेद प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है बच्चों ग्लास स्लैब। ये प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ने में हमें मदद करती है। उसके बाद हमारे पास कुछ मैग्नेट्स यानी चुंबक हैं। सबसे पहली है ये गोल मैग्नेटिक सर्कुलर मैग्नेट, थोड़ा और पास से हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद एक है यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट है ये। और एक है बार मैग्नेट या छड़ चुंबक जिसे हम कहते हैं। इसके दो ध्रुव भी होते हैं आपको जैसे पता है, नॉर्थ और साउथ। इसको थोड़ा हम और क्लोज दिखा रहे हैं आपको। तो कुछ साइंस के एपरेटस हैं जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए और कहाँ ये यूज़ होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। हम साइंस के एपरेटस दिखाते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है ये हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है। और ये किस लिए काम आता है? तापमान मापने के काम आता है। हिंदी में हम इसको तापमापी भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है दो कलर्स के हैं हमारे पास, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर जो है वो बेसिस यानी क्षारकों की जांच में उपयोग करते हैं हम। ब्लू लिटमस पेपर अम्लों की जांच में उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर छानक पत्र भी इसको कहते हैं। अगर हमने कुछ छानना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही है हमारे पास फनल यानी कीप। फिल्टर पेपर को हम इस तरह से कीप में लगाते हैं और फिर कुछ भी अगर हमने छानना हो तो छानने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? निस्यंदन। तो उसका उपयोग हम करते हैं। एक बायोलॉजिकल निडल जो कि स्लाइड्स वगैरह बनाने में हमें हेल्प करती है। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, इसे दिक सूचक सुई भी कहते हैं। ये दिशा बताती है। जैसे अगर हम इसके सामने मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं तो देखिए इसकी दिशा परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है स्लाइड्स। स्लाइड जो है हम माइक्रोस्कोप में रख के अगर हमने कुछ भी देखना है तो इनका यूज़ करते हैं। आज हम आपको कुछ मिरर और लेंस दिखाएंगे और साथ में उनके नाम भी बताएंगे। सबसे पहला है हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है हमारा कैसा होता है? अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। इसमें उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं और इसका हिंदी में नाम है बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बच्चे के हाथ में है ये मिरर और ये आगे की तरफ उभरा हुआ है। इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हिंदी में नाम है इसका उत्तल दर्पण। गाड़ियों में जो पार्श्व दृश्य दर्पण होते हैं वो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारे पास
कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, और नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा बीच में से मोटा है थोड़ा और साइड से पतला है, तो आपको इन सब की पहचान होनी चाहिए और इस वीडियो से आप इसको सीख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है ये। थैंक यू।